सो हेलो गाइज, एडुकेटिव विकास चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं आज ये वाला फोटो एडिटिंग आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कैसे ये वाला एडिटिंग आप भी कर पाओगे अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी फोटोशॉप वर्जन के अंदर। तो इजी टेक्निक्स है, मैं आज यूज करने वाला हूँ फोटोशॉप का सीसी 2020 वर्जन। तो फिलहाल के लिए देखो, यहां से मैंने फोटोशॉप के अंदर फोटो को ओपन कर लिया। अब सिंपली सबसे पहले क्या करूंगा, बैकग्राउंड लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर एक पहले ले लूंगा। इस डुप्लीकेट लेयर के ऊपर मैं एडिटिंग करने वाला हूँ। फोटो जैसा भी हो, आपने फोन पे क्लिक किया हो या DSLR पे क्लिक किया हो, वो मायने नहीं रखता। आपका स्किल मैटर करती है, आप किस तरह का जानते हो। तो मेरे इस वीडियोस को अगर आप रेगुलर देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कैसे एक एडिटिंग होती है, कैसे प्रॉपर तरीके से आप लोग एडिटिंग कर पाओगे। तो फिलहाल के लिए इसके ऊपर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस जो कॉपी वाला लेयर है इसके ऊपर सबसे पहले बैकग्राउंड ब्लर अप्लाई करूंगा। तो बैकग्राउंड ब्लर अप्लाई करने से पहले सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना जरूरी है। तो फिलहाल के लिए मेरे इस फोटो के अंदर मैं सबसे पहले फोटोशॉप यूज कर रहा हूँ सीसी 2020, इस वजह से मैं सिलेक्शन के ऊपर जाके मैं सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लूंगा। ऑटोमेटिक यहाँ से सब्जेक्ट सिलेक्ट होगा एंड आपको वेट करना है जब तक सिलेक्ट हो जाए। तो हमारा इधर से देखो सिलेक्शन कंप्लीट है। आप जस्ट एक बार रिव्यू कर लेना प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आप उसको फिक्स कर लीजिएगा, अदरवाइज हो गया है तो मास्क बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अभी अगर बैकग्राउंड बंद करूंगा तो देखो हमारा फोटो अलग से बैकग्राउंड से अलग हो चुका है। अभी बैकग्राउंड लेयर को अगेन सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल जे दबाता हूं, या आप चाहो तो अगेन डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं जैसे बनाते हैं डुप्लीकेट लेयर वैसे बना लेना। और इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर मैं यूज करूंगा बैकग्राउंड का फिल लेयर। तो उसको कैसे करना है, सबसे पहले यही बैकग्राउंड जो कॉपी अभी बनाया इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस एंड होल्ड करना है, इधर ऊपर में जो ब्लैक टाइप का मास्क दिख रहा है इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। कंट्रोल होल्ड करके मतलब कंट्रोल दबा के रखो, उसके बाद ही जब यहाँ से क्लिक करोगे तो ये रिटर्न से ऐसे आ जाएगा। अभी अगेन आप सिलेक्ट पे जाओ, यहाँ से मॉडिफाई एंड यहाँ से एक्सपांड के ऊपर क्लिक करो। एक्सपांड कितना पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स। 10 पिक्सल्स डालने के बाद आप एक बार जूम करना, पूरा देखना, अगर प्रॉपर तरीके से एक्स्ट्रा हुआ है सिलेक्शंस तो बढ़िया बात है, अदरवाइज अगेन सेम प्रोसेस करो, सेम एक्सपांड 10 पिक्सल्स का कर लो एंड अभी आपको शायद से प्रॉपर तरीके से जो है सिलेक्शंस बन जाएगा। अभी ऐसे होने के बाद आप जाना एडिट के अंदर एंड यहां से आपको यूज़ करना होगा कंटेंट अवेयर फिल। तो कंटेंट अवेयर फिल अप्लाई करने के बाद राइट साइड पे आपको प्रीव्यूज दिखेगा। अब इसके हिसाब से आप यहाँ से कलर एडाप्शन, यहाँ से रोटेशन एडाप्शन, ये सारा कुछ चेंज कर सकते हो, बट माय डिफॉल्ट मैं रखता हूँ एंड सिंपली करता हूँ ओके। एंड ओके करने के बाद ये अलग से एक लेयर बन जाएगा, आपको कंट्रोल डी दबा के ये सिलेक्शंस को हटा देना है एंड कंट्रोल ई दबा के इसको मर्ज करोगे तो ये नॉर्मल सी बैकग्राउंड पे बदल जाएगा जिसके ऊपर हम ब्लर अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्लर अप्लाई करने के लिए मैं फिल्टर पे जाऊंगा। ब्लर आप कोई से भी ब्लर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि गॉसन ब्लर, लेंस ब्लर। फिलहाल के लिए मैं लेंस ब्लर यूज़ करने वाला हूँ एंड इस फोटोज़ के अंदर मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ से सारा कुछ यहाँ से करूँगा, जैसे कि रेडियस कितना रहेगा एंड साथ में यहाँ जितना सारा सेटिंग्स होगा वो हम धीरे धीरे करके अप्लाई करेंगे। सो सारे अमाउंट्स यहाँ से डालने के बाद हमने बहुत सारा अमाउंट्स वगैरह यहाँ से प्ले करके देखे हैं एंड उसके बाद ओके करते हैं एंड ये ओके करने के बाद ऑटोमेटिक इसका जो बैकग्राउंड है आप देखो प्रॉपरली यहाँ से ब्लर हो चुका है। मैं यूज़ किया लेंस ब्लर, आप कोई से भी ब्लर यूज़ कर सकते हो। आपके पास फोटोशॉप का जो भी वर्जन हो वहाँ से आप इससे लेंस ब्लर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फोटोशॉप का लोएस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से जो मास्किंग प्रोसेस है वो आपको यूज़ करना होगा, पेन टूल या पॉलीगोनल लासो टूल की मदद से आपको सबसे पहले मास्किंग करना पड़ेगा एंड बाकी जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ सारे स्टेप सेम होने वाली है। अब इतना तो हमने कर लिया है, अभी बैकग्राउंड को अलग से कलर ग्रेड करेंगे, सब्जेक्ट को अलग से करेंगे, बाद में दोनों को एक साथ करेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड लेयर को मैंने सिलेक्ट किया, फिल्टर पे गया एंड यहाँ से कैमरा रॉ फिल्टर। तो कैमरा रॉ फिल्टर जब ओपन होगा हम यहाँ से कलर ग्रेडिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लास्ट में जाऊँगा, यहाँ से कैलिब्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से ब्लू प्राइमरी को फुल करूँगा, ग्रीन प्राइमरी को भी फुल करूँगा, आपको प्रॉपर यहाँ से टोन दिखने को मिलेगा। आप चाहो तो रेड प्राइमरी भी फुल कर सकते हो, वो आपको फोटो के ऊपर अकॉर्डिंग को डिपेंड करता है। अगर मैं बहुत सारे फोटोज़ को एक साथ लेता तो यहाँ से प्रॉब्लम आती, तो इस वजह से ये सारा प्रोसेस हमने अप्लाई किया। तो ऐसे चीज़ें हम डालने के बाद मैं सिंपली करता हूँ ओके एंड ये हमारा प्रोसेस हो गया है। अभी फिलहाल के लिए सब्जेक्ट के ऊपर काम है, तो सब्जेक्ट के ऊपर कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करो या फिल्टर के ऊपर जाके आप कैमरा और फिल्टर दोबारा से लो। ये जब फोटो आपका ओपन होगा एक चीज़ याद रखना, मास्किंग तो था बट आप यहाँ से ध्यान रखना अपने सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि ये बैकग्राउंड पर जितना सारा अप्लाई होगा वो आपको मास्क के अंदर रह जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं शैडो इंक्रीज करता हूँ, हाइलाइट्स डाउन करता हूँ एंड यहाँ से कंट्रास्ट थोड़ा सा डालूंगा, ब्लैक थोड़ा सा डाउन एंड वाइट थोड़ा सा अप। ऐसी चीज़ें होने के बाद हम डालेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ से थोड़ा सा प्लस करेंगे, +2 के आसपास। टेक्सचर आप चाहो तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हो इस फोटो में एंड कर्व थोड़ा सा मैं यहाँ से अप करूँगा ताकि प्रॉपर गोरा टोन वगैरह भी आ जाए एंड ये ऐसे में सेटिंग्स किया। चलो मैं इतना कर लिया, अभी मैं कलर एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। ब्लू कलर इसका ड्रेसअप के ऊपर है तो हमने ब्लू का सैचुरेशन थोड़ा सा इंक्रीज़ किया,
साथ में और भी थोड़ा सा कलर से यहाँ से एनहांस कर सकते हो, जैसे फिलहाल के लिए मैं दिखा रहा हूँ जैसे, तो आप ये सारा प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। तो इतना होने के बाद नीचे मैं जाऊँगा, सबसे पहले ब्लू प्राइमरी को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, फोटो कुछ ऐसे दिखने को लगेगा एंड बहुत ही बढ़िया लग रही है। मैं सिंपली करता हूँ ओके एंड अपना फोटो देखो ये बहुत ही बढ़िया यहाँ से बन चुका है। बट एक चीज़ है, यहाँ से मैं पूरा फोटोज़ को सारे को सबसे पहले मर्ज करना पड़ता है, तो उसके लिए कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई प्रेस करना, तो उसके लिए यहाँ से करने के बाद ये अलग से एक लेयर बन जाएगा। इसके ऊपर अभी फिल्टर पे जाके मैं यहाँ से यूज़ करूँगा कैमरा फिल्टर। देखिए अभी तक तो जितना कलर ग्रेडिंग्स वगैरह की है वो नॉर्मल सी के फोटो के ऊपर डायरेक्टली कर दिए थे, अभी क्या करूँगा मैं पूरा फोटोज़ के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करूँगा। तो उसके लिए मैं सिंपली जाऊँगा नीचे कैलिब्रेशन के अंदर, ब्लू प्राइमरी थोड़ा सा ऑफ होगा इस फोटो में एंड अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे फिलहाल के लिए मैं इसका व्यू को इस तरह का डालता हूँ ताकि प्रॉपर मेरे को लुक मिले एंड और भी सारे कलर टोन वगैरह तो आप यहाँ से फिक्स कर ही सकते हो। बाकी मैं क्या करूँगा यहाँ से शार्पनिंग को 25, कलर नॉइज रिडक्शन 30 के आसपास एंड नॉइज रिडक्शन को भी 30 के आसपास आप डाल दीजिएगा। अब इतना होने के बाद मैं सिंपली ऑरेंज कलर के ऊपर जाके इसका सैचुरेशन थोड़ा सा डाउन करके इसका लुमिनेंस हाई करूँगा ताकि स्किन प्रॉपर तरीके से गोरा बन जाए एंड बढ़िया फोटो आउटपुट जो है वो हमको दिखने को मिले। एंड इतना होने के बाद मैं येलो वगैरह तो इंक्रीज कर ही सकता हूँ अपने फोटोज़ के अंदर, जिस तरह का अमाउंट्स होगा उसके हिसाब से हम यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं एंड यहाँ से बाकी सेटिंग्स आप लाइट करेक्शंस जो कुछ भी हो करना हो वो आप आराम से यहाँ से कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए इतना अमाउंट्स डालने के बाद हमारा हो गया है फोटो रेडी। बट यहाँ से भी कुछ चीज़ें आप डाल सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप एक लाइट फ्लेक डाल सकते हो। सो मेरे पास एक लाइट फ्लेक पड़ा हुआ था, जैसे कि ये लाइट फ्लेक है, आप कोई सा भी गूगल से लाइट फ्लेक ले सकते हो। मैं इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन करता हूँ एंड आपका फोटो को इसके अंदर मैं अप्लाई करूँगा। शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करके आप इसका छोटा बड़ा कर लीजिएगा। अब इसका एक काम कर सकते हो, जैसे कि ये अभी क्या कलर आ रही है, ऑरेंज कलर की टाइप की आ रही है, तो आप इसको थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट आइकन पे ले जाके हुई सैचुरेशन वाला ले लो, क्लिपिंग मास्क क्रिएट करो एंड इसका जो सैचुरेशन है वो टोटली डाउन कर दो ताकि यहाँ से होगा क्या, एक वाइट कलर का जो फ्लेक है वो यहाँ से आपको दिखने को मिलेगा एंड अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करके प्रॉपर तरीके से प्लेस कर दो एंड आपका फोटो एडिटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ कि पहले वाला फोटो कैसा था, ऐसा था, एडिट करने के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट मिला।